दूसरी जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ पर जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ भी कुछ दबाया गया है। खोद के दिखा भाई, नहीं हमने तो कई बार देखा भी है, इनका सामने घर पड़ता है ना। हाँ इन्होंने तो कई बार देखा है, इनसे पूछो। नमस्कार, स्वागत है आपका HR71 चैनल पर। आज यमुनानगर जिले की एक ऐसी खबर दिखाऊंगा, शायद ही आपने सुना होगा। अक्सर लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम तो इस चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। वैज्ञानिक दौर है, लेकिन इन चीज़ों पर विश्वास करना भी गलत है। हमें किसी यहाँ से शख्स ने कॉल की थी कि ये ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के अंदर बच्चे अक्सर खेलते हैं, लोग सैर भी करते हैं। हालांकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते सैर मना है, लेकिन फिर भी घर पे मन नहीं लगता, लोग अक्सर यहाँ पर खेलने आ जाते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर अक्सर कुछ लोग, आप लोग विश्वास करते होंगे कि जादू टोना टोटका, इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं इस ग्राउंड में देखी जा सकती हैं। लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे घड़े दबाए गए हैं, न जाने कितनी कुछ चीज़ें हैं। उन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले जिसने हमें कॉल किया उनसे बात करेंगे। भाई जी, क्या कहना चाहते हो, क्या समस्या है यहाँ? समस्या सर यही है, देखो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, लोग सैर करते हैं शाम को, और इवन लेडीज़ भी आती हैं सुबह मॉर्निंग में। तो उसके बाद ये है कि अब लोग आते हैं रात बरात में, दिन में, आज इवन दिन में करके गए हैं, ठीक है, मटके दबा जाते हैं यहाँ पे। मान लो जब जिसका चलना फिरना है कल को, कोई हम भी कहते हैं अंधविश्वास है, बट किसी के साथ बीतेगी या किसी के कुछ हो गया, हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन उसका? आप इन चीज़ों पे, मटकों पे या इन चीज़ों पे विश्वास? देखो परमात्मा सबसे बड़ी चीज़ है, हम विश्वास नहीं करते, पर कोई करके तो जा रहा है ना। एक बंदे के जहन में ये चीज़ डलगी, वो करके गए हैं मटके तो वहाँ पर है कहीं आसपास। हाँ ये देखिए देखिए आपके सामने, ये हमने डंडा मार के खोला, देखो दिखाओ क्या चीज़ है उसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो लोग हैं यहाँ पर। क्या चीज़ है अंकल, आपको क्या लगता है क्या चीज़ है इसके अंदर? पता नहीं जी, हम तो चक्कर में पड़ते नहीं। अच्छा, कुछ नहीं होता इनसे। तो ये क्या गतिविधियां हैं वैसे तो आज के वैज्ञानिक दौर में? कई जगह पड़े हैं जी, घड़े पड़े हैं, मटके पड़े हैं, कहीं सिंदूर पड़ा, कहीं चूड़ियाँ पड़ी, बहुत जगह पड़े हैं यहाँ। तो ऐसा टोना टोटका लोग अक्सर, खोल के देखोगे आप, दम है आप में? तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आज के युग में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कुछ क्या चीज़ है ना जाने। तो क्या आपको लगता है ये चीज़ें करनी जरूरी हैं? लोगों में डर और भय फैलता है इस चीज़ से। जो कर रहे होगा जी उसको पता है था जरूरी है नहीं करते हैं। हम तो क्या नाम है आपका? नंदलाल। तो नंदलाल जी ने किस तरीके से बताया कि ये देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसी और जगह भी कई जगह है, उधर है एक पीछे, हाँ वहाँ पड़े हैं, बहुत घड़े पड़े हैं उधर, घड़े आज कोई करके गया वहाँ पे ताज़ा ताज़ा। आप चलो वहाँ ताज़ा ताज़ा मैं आपको दिखाता हूँ, जो आज दोपहर जो भाग गए हमें देख के, जिस टाइम हम यहाँ पे आए तो वो लोग भाग गए, तो उन्होंने इवन सारा का सारा आपको आज का ही मिलेगा, अभी 2-3 घंटे पहले हाल ही जिन्होंने भी कुछ दबाया। अब पता नहीं फ्रूट्स थे, सलाद था, पता नहीं क्या कुछ था, बोतल थी, ऐसे रख के वो परिवार था पूरा, बस करके भाग गया वो। अब लोग चलते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है जिसने इस कॉलोनी से उधर जाना है वो जाएगा आएगा, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, तो ये तो जिस पे बीतेगी वो पर वो जानता है एज इट इज़। ऐसे तो किसी को कुछ नहीं कह रहा कुछ भी, ये चीज़ है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ों के ऊपर रोक, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि देखो उजाड़ का मतलब उजाड़ ये तो नहीं है, यहाँ देखो सारे आसपास का आपके सारे क्राउडेड है, सारे लोग बसे हुए हैं, लोग रहते हैं, आना जाना रहता है, आपको किसी को कुछ भी करना है, यमुना के पास बहुत सी उजाड़ जगह है, वहाँ पे जाके करें तो इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस, कि वहाँ बहुत सी जगहें हैं, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे लोग घूमते हैं सुबह, सैर करती हैं लेडीज़ें, अगर किसी के साथ कुछ भी कोई विपदा घटती है तो कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? कहने को ये अंधविश्वास है। और भी जी यहाँ कम से कम पुलिस की गश्त लगे शाम को, जैसे यहाँ है ना कोई दारू पी रहा कोई कुछ कर रहा, आजकल लॉकडाउन में खुले में यहाँ आप शाम को आगे देखना 7 बजे के बाद दुनिया भर के लोग बैठे होते हैं, कोई दारू पी रहा कोई कुछ कर रहा है, ये आपने उस पर गश्त लगनी चाहिए पुलिस की शाम को कम से कम 1 या 2 बार, इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। तो आपने बताया कि आपके सामने की बात है कुछ औरतें ऐसे कर रही थी, तो आपने जब उनको ऐसे करते हुए देखा तो आपने कोशिश की उनको पकड़ने? हम यहाँ से गए थे, हम 3-4 लड़के थे, इवन वो उन्होंने गाड़ी घुमाई और वो सीधा भाग गए, इवन हम नंबर भी नहीं देख पाए, बट मैं आपको वहाँ की जो फोटो है जो मेरे पास फोन है मैंने क्लिक करी थी आज, और इवन वहाँ पे जो है आपके सामने एज इट इज आपको दिखा देता हूँ आज का, आपको बिल्कुल 2-3 घंटे पहले का आपका। डर नहीं लगता आपको किसी भी चीज का? ये नेगेटिविटी ही है जो फैल रही है, परमात्मा से बड़ी कोई चीज है क्या? बिल्कुल, देखिए आज के इस वैज्ञानिक दौर में बहुत ही मुश्किल हो गया है ये टूना टोटका, ये सब भूत प्रेत, इन सब पे विश्वास करना, लेकिन जब हम ऐसी चीजें होते हुए देखते हैं तो एक पॉजिटिविटी हमारे इम्पैक्ट पड़ता है और एक नेगेटिविटी फैलती है, एक नकारात्मकता फैलती है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि इतना
जितना विश्वास करोगे उतनी डरोगे इनसे, और कुछ नहीं जी, है बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मानने को है, नहीं मानने को कुछ नहीं है। बात ऐसी है देखो, हमें भी डर नहीं लगता, हम इसे फाड़ ले तोड़ ले, हम लड़के हैं यंग है, बट हमारे जो बच्चे जो सुबह सैर करते हैं, खेलते हैं, कभी कभी साइकिलिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, वो उनके लिए तो है ना 1%, उनका सोच के चलते हैं, हमारा क्या, हमारे को तो यंग है एकदम, हाथ में चकेंगे फेंक देंगे कुछ भी, हम तो एज इट इज ले जाते हैं, कई बार 36 जगह पैर पड़ता है, बट जो लोग अंदर कर करके जा रहे हैं, कुछ फेंक के जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा उनके मन में, कुछ तो कुछ मंशा से वो दबा रहे होंगे इन चीज़ों को, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं किसी ने तो उनको बताया होगा कि जाओ ये दबा के आओ, ऐसी थोड़ा यहाँ रोज रोज कोई चीज़ें दबती हैं। यहाँ पे देखिए बुजुर्ग लोग भी आ गए हैं, बच्चे यहाँ पर रोज खेलते हैं, आइए इनसे जानते हैं इनकी इसके बारे में क्या मानना है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ऐसे करके जाते हैं, ये बहुत गलत है जी, पता क्या बच्चे भी खेलते हैं यहाँ, आते जाते भी हैं सुबह से हम, तो ये इस तरह की चीजें ठीक नहीं है जी वैसे। जी बिल्कुल, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि जो इंसान इतना कर सकता है वो अपनी हदों को और बढ़ा भी सकता है, वो इंसान और गलत भी कर सकता है, इसलिए हमारे जहन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है। जानते हम सब हैं कि परमात्मा से बड़ी, ईश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जब ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है, क्या देखा आपने कभी देखा कुछ? नहीं, हमने तो कई बार देखा भी है, इनका सामना कर पड़ता है ना, इन्होंने तो कई बार देखा, इनसे पूछो। कई बार लेडीज को पकड़ लेते हैं, आती हैं, एक बार तो हमने खुद अपने हाथों से पकड़ी, यहाँ कर रही थी, बस वहाँ कुछ दबा रही थी, हाथ में कुछ पोटली सी पकड़ रखी थी, कुर्पी के साथ अपने खोद रही थी जमीन। भाई दूसरों का भला करो, आप अपना तो सुधार करते हैं लोग, भाई दबा के कुछ ना कुछ न, जो कोई अपना आपको लगता है इन चीजों से सुधार होता है कुछ? बस हम तो, हमें तो ना इस चीजों का कोई वो है, ना ही हम इन मानते हैं, पर ये अभी जो लोग करते हैं उनके लिए तो गलती है ना ये काम। कब से आपने देखा है, कितने समय से? ये तो कई बार आते हैं लोग, ये खुली जगह है जहाँ चुराया, चार लाइनें मिलती हैं, बस आते ही रहते हैं लोग कहीं ना कहीं, हम तो सैर करने जाते हैं, देखते रहते हैं, फिर इधर उधर होके निकल जाते हैं, अब क्या करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी कुछ औरतें इस तरीके से फल फ्रूट दबा के जाती हैं, लोग इसको खोद के देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर से निकलता है। यहाँ मैडम जी, ये हमारे यहाँ सेक्टर ने 15 सेक्टर के लिए उड्डा पार्ट बी ने, गवर्नमेंट ने क्वेयर की थी 89 में, और 89 से आज ऐसे जंगल राज चला रही है। हम लोग यहाँ बसंत नगर के निवासी हैं, जो अपने बच्चों को भी लेकर बाहर नहीं आ सकते बिल्कुल भी, रात को 6 बजे जमखट लग जाता है यहाँ पे, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खड़े है, गाड़ियाँ लेके आ गया, कोई वहाँ बैठ गया, कोई वहाँ बैठ गया। देखो अभी थोड़ी देर के अंदर हमने पुलिस प्रशासन से भी कई बार रिक्वेस्ट करी, वो राउंड लगाते हैं, आते हैं लेकिन अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन जनता फिर इर्द गिर्द हो जाती है। और यहाँ पर कहीं भी रात को समय हमारी लेडीज महिलाएँ जो उड़ते हैं वो घूमने के लिए निकलती हैं, लेकिन उनके पीछे भी कोई ना कोई आके, कोई डंडा चोर आ जाता है, कोई लगा के लाठी मारने लग जाता है, कोई कुछ धमकियाँ देने जाके जाता है, क्योंकि जंगल राज है यहाँ पे हमारे सामने। कितने टाइम से ये जगह खाली पड़ी है, गवर्नमेंट को कई बार हमने कहा भी है, मेरी माननीय चौधरी कंवरपाल मंत्री जी से भी बात हुई है, मैं सर मैं मेरे पीछे खाली जगह पड़ी है, और उसको कहीं भी इसको किया तो पार्क बनवाया जाए, या इसे उड्डा की चारदारी की जाए, या इसको डेवलपमेंट किया जाए। हम इस यहाँ से इस बसंत नगर के निवासी जितने भी हैं सब परेशान हैं, और मैं प्रशासन की ओर ध्यान देना दिलवाना चाहता हूँ, इसको जल्द से जल्द किसी भी सूरत में इसको या तो कोई पार्क मेंटेन किया जाए। 35 साल से ये ज़मीन खाली पड़ी है, अगर किसी को भी अगर इसको ठेके पे भी दिया जाए गवर्नमेंट, तो इसकी कई बार कहीं आउटपुट निकल सकती है, कदर हो सकती है इस जगह की। हाँ जी हाँ जी, तो कुछ सख्त कदम अभी उठाए गए हैं इन सबको लेकर के? नहीं, अभी तो कुछ भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया जी सरकार की तरफ से, कभी कई बार अगर हम कंप्लेंट कर देते तो आ जाते, अदरवाइज नहीं जी बिल्कुल भी जी। तो आप देख सकते हैं कि क्या आज के दौर में भी 2021 चल गया है, कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन उन सबको साइड में रखे लोगों को अभी भी इन सब कामों से फुर्सत नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और इन सब चीज़ों को जितना हो सके दूर रहें। नेगेटिविटी होती है, और अगर आपका विश्वास आस्था में है, आपका खुद में विश्वास है, आपके मन में सच्चाई है, तो कोई भी ये सब चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।